दोस्तों जय हिंद जय महाराष्ट्र। मेरा नाम आशिक जाफरी है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोंकण शहर के अंदर, कोंकण सिटी में एक बहुत बड़ा सैलाब देखने के लिए मिला, एक बहुत बड़ा भूकंप देखने के लिए मिला और उसके अंदर कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, जड़ है, सीरियस है। तो बस मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे महाराष्ट्र में कोंकण शहर को मदद पहुंच रही है और मैं बंबई को भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि बंबई से बहुत सारी मदद देखने के लिए मिली। तो इसी तरह से मैं अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा हूँ और यहाँ पर एक एरिया पड़ता है गोसे कंपाउंड, और गोसे कंपाउंड में एक कमेटी है, पंजेतरन एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन करके एक कमेटी है। वो कमेटी के यहाँ पर मेरे बैक साइड में पूरे तमाम मेंबर खड़े हुए हैं। तो ये लोग कोंकण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ छोटी सी मदद पहुँचाना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से ये लोग मदद पहुँचा रहे हैं और क्या सोचते हुए लोग ने मदद पहुँचाने का कॉन्सेप्ट पहुँचा। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए। देखिए ये हमारे साथ में ये पंजतन जो एसोसिएशन सोसाइटी है इनकी, ये यहाँ के सेक्रेटरी है। आपका नाम? मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख। मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख भाई, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या सोचते हुए आपने ये मदद करने का सोचा और किस तरह से आप मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, कैसा आपका ये दिमाग में आया, जरा बताएंगे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे कौम के, हमारे मजहब में जो है यही सिखाया जाता है कि जहाँ कहीं भी लोग परेशान हाल हो, किसी भी तरीके से जो है उनकी मदद की जाए। तो हम लोगों ने भी उसी तरीके से जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गौसिया के तमाम लोगों ने, बुजुर्गों ने, हमारे गौसिया के तमाम मेम्बरान ने जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। वो तमाम चीज़ों को हमने जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका नाम? दाबिश कोहली। दाबिश कोहली भाई, दाबिश कोहली भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये टेम्पो में आपने जो मदद पहुँचाने का कोशिश की है कोंकण में, तो ये टेम्पो में किस तरह के साधो सामान है, क्या क्या चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, बताइए जरा। गेहूँ है, चावल है, तेल है, साबुन है, कोलगेट है, और शॉल है, कपड़े है, और सिक्कर है, जरूरत की हर चीज़ सामान यहाँ मौजूद है, मतलब राशन को लेकर, कपड़ों को लेकर तमाम चीज़ें हैं। बहन जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सोचते हुए आप लोगों ने कहीं और आपको मदद कैसे मिली, या आपको चैरिटी आपको लोगों से इकट्ठा करना पड़ी, या आपको आपका जो ये पंचतनी है सोसाइटी है इससे आप लोगों ने पूरा मामूल कर दिया? हमारे घर घर गए इकट्ठा करें, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने हम लोगों की हेल्प करे, मतलब पूरे एरिया से आपने टाउन किया और हर घर घर ने हमारी मदद करी। अच्छा, सब घरों से आपने कुछ ना कुछ लिया, मिला है, सब जगह से सब मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह टाउन करा हमारा। बहुत अच्छी बात है। एक टेम्पो यहाँ पर लोडेड है और सेकंड टेम्पो वहाँ पर लोडेड है, जरा कैमरा वहाँ करिए, एक दो टेम्पो यहाँ पर लोडेड है। और एसोसिएशन के सदर साहब जो हमारे बीच है वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद निशाद है। तो हम लोगों ने ईद का जो बकरीद थी, तो हम लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं करते हुए हम लोगों ने इंतजाम ये किया कि हम हमारी तरफ से कोंकण के हमारे भाई बहनों को ये अनाज पहुँचाते हैं। बहुत अच्छी, तो हम लोगों ने, ये हमारी कोशिश थी पंजीतन कमेटी की, तो ये हमारे जितने भी दोस्त हैं और हमारे जो गोसिया कंपाउंड वाले हैं उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की है, जिनकी वजह से आज ये सामान हम हमारे हिंदुस्तानी कोंकण के भाइयों को हम पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी छोटी सी कोशिश इसीलिए है कि आप लोग जो है इसे देखें और ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोगों की मदद करने की कोशिश करें। किस तरह से यहाँ पर एक कमेटी ने मिलकर कोंकण शहर को मदद पहुँचाने का सोचा और किस तरह से ये लोगों ने पूरे एरिया से, पूरे मोहल्ले से ये लोगों ने कुछ ना कुछ एक इमदाद ली ताकि कोंकण वाले लोगों को मदद पहुँचाई जाए। देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो मैं भी ये खुद अपील करना चाहता हूँ जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है कि आप लोग भी खिदमत खल्क में उतरिए, क्योंकि ये टाइम उतरने का टाइम है। हमारे वहाँ पर भाई सैलाब में डूबे हुए, तो उनकी मदद करने का इस टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगले में आप लोग साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद जय महाराष्ट्र।